बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ना सुने है कोई मेरी ये इल्तिजा, बन गई क्यों है ये जिंदगी एक मैंने कभी भी नहीं चाहा कि वो तुमसे नफरत करे जरक। वो तो शायद मेरी उस मोहब्बत से नफरत करती है जो तुम्हारे वादे में तुमसे करती रही। फिर कल तक ये केस वापस ले लेती है तो ठीक है, वरना तैयार हो जाना इसकी लाश पर बैठकर। उसने मुझे गन पॉइंट पे कहा था कि मैं इनकार कर दूं, लेकिन मैं आपको इनकार नहीं कर सकती। वो कहां से कहां पहुंच जाएंगे और आप लोगों को कानून सिखाते रहेंगे और बदमाशी करेगा मुझसे? तो आप दिखा रहे हो, वो भी कानून की वर्दी पहन के। क्या करना चाहते हो? पगड़ी तक तो उतार दिया। इतना बेइज्जत तो मैं दुश्मन के हाथों नहीं हुआ जितनी बेइज्जती आपने कर दी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जा रही है तुम्हारी पढ़ाई? ठीक जा रही है, एग्जाम्स होने वाले हैं उसी की तैयारी चल रही है। एक बात बताओ, तुमने उस लड़की पर किस चीज का गुस्सा उतारा है? मेरा या मेरी इज्जत का? अगर तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि वो तुम्हारे इकलौतेपन में शरीक हो गई, तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। और अगर इस बात पे गुस्सा उतारा है कि उसने मेरी बेइज्जती की है, तो ये उसका और मेरा आपस का मामला है। यू बेटर स्टे आउट ऑफ दिस। देखो, तुमने जो कुछ भी उसके साथ किया है, मैं चाहता हूं कि तुम उसके लिए उससे माफी मांगो, क्योंकि रिश्ते में वो बड़ी बहन है तुम्हारी।
पार्टी कैसी थी? ठीक थी। क्या फिर किसी को मेरी कहानी सुनाई? नहीं। तो फिर आंखें क्यों सुर्ख हैं? शायद बाइक पे आते हुए कुछ हो गया, मैं धोकर आती हूँ। बाइक पे किसके साथ गई थी? अम्मी, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं फरजाद से मिलने गई थी। तुम तो उसे रोज मिलने जाती हो। क्योंकि मैं केस डिस्कस करने नहीं गई थी, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी। इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आपने भी तो मुझसे झूठ बोला है ना। आप भी किसी कोलीग की फेयरवेल पे नहीं गई थी। अम्मी, आप इतनी कॉन्शियस किसी शादी पे जाते हुए नहीं हुई जितनी इस छोटी सी पार्टी के लिए हो रही थी। और मुझे पता है ये कलर उनका फेवरेट था ना। बार बार मुड़के आईने में देख रही थी। शायद कुल मिला के आपने पूरी जिंदगी में इतना आईना ना देखा। प्लीज निशा। अच्छा, कैसी लग रही थी उन्हें? मैं बताऊं, बहुत प्यारी लग रही थी आप। आई एम सीरियस, गो लुक इन द मिरर, आप बहुत अच्छी लग रही थी। मैं डेट माने नहीं गई थी, मैं तुम्हारे लिए गई थी। ये तुम्हारा पागलपन, खनास जो तुम्हारे दिमाग में घुस गया, उसके बारे में बात करने गई थी। जो मेरा सिंघार, नए कपड़े, मैं सही सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। मैं उसको बताना चाहती थी कि मैं उसके बाद मरी नहीं हूं, मेरी जिंदगी तुम हो, तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारे साथ ने, तुम्हारे रिश्ते ने मुझे सैराब किया है, तरोताजा रखा है। बहुत मिस करता है वो तुम्हें। तुम्हारी तस्वीरें देख रहा था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स। और पता क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुम बिल्कुल उसकी अम्मी जैसी हो, वही आंखें, वही मुस्कुराहट और वैसा ही गुस्सा। क्यों? उनकी माँ को भी उनका बाप छोड़ के चला गया था अपनी बीवी की कोख में। गॉड सेक निशा। उफ अम्मी, प्लीज। मुझे पता है आप मेरे लिए नहीं मिलने गई थी, बल्कि उनकी खातिर मुझसे मिल रही हैं। उनके लिए ग्राउंड बना रही है ना, ताकि कल अदालत में जो उनकी बेइज्जती होने वाली है उससे बचा लें। Are you sure कि जो तुम जरा के साथ करी हो वो तुम्हारी नफरत नहीं बल्कि तुम्हें कोई वरगला रहा है? हाँ, हूं मैं इमोशनल। की थी उसकी बर्थडे सेलिब्रेट, बल्कि एक सरप्राइज रखा था मैंने उसके लिए। लेकिन यार, उसकी वजह कोई मोहब्बत या इश्क वगैरह नहीं है, बल्कि मैं तो उसे इज्जत देना चाह रही थी, वो इज्जत लौटाना चाह रही थी जो उसने मुझे दी, मेरे गुस्से को, मेरी तकलीफ को। अम्मी, उसने मेरा साथ तब दिया जब आप सब लोगों ने मुझे पागल और बेवकूफ कह के धुतकार दिया। आपको पता है, उसने मेरे दुख को समझा है, शायद इसीलिए कि उसका और मेरा दुख एक ही है। उसे भी अपने बाप से उतनी ही नफरत है जितनी मुझे। फरजाद, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। इधर आओ।
मैं बहुत थका हुआ हूँ तो सोने जा रहा हूँ। अच्छा चलो फिर ठीक है, मैं ही तुम्हारे सिरहाने बैठ के तो 2 मिनट बात कर लूंगा। जी बेटा मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे रिहा कर दो। आज 14 साल कैद काट चुका। क्या तो मैंने रखा हुआ आपको जो आप मुझसे रिहाई मांग रहे हैं? हाँ तुमने कैद किया हुआ है। तुम्हारी नफरत, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा रवैया, 14 साल से तुमने मुझे जकड़ के रखा हुआ। अगर ऐसा है तो मैं भी कैद में हूं और आपसे बुरी हालत में हूं। किसी के साथ नफरत करना कितना मुश्किल काम होता है, खास तौर पे एक ऐसे शख्स के साथ जिसके साथ आपको एक छत के नीचे जिंदगी गुजारनी हो। अरे आपको तो पता होगा कि 9 साल आपने एक ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारी है जिसे आप शदीद नफरत करते थे। आप तो अपनी भड़ास मार के पीट के गरम गुलश करके निकाल दिया करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो ये भी नहीं कर सकता। जो तुम कर रहे हो वो उससे ज्यादा अजियतनाक है मेरे लिए भी। तो फिर माफ कर दो। अच्छा तो आप बताएं मैं आपको कैसे माफ करूं? भूल जाओ सब कुछ। आप भूल सकते हैं? शायद, अगर तुम मुझे बार बार याद ना कराओ तो आपका कहने का मतलब यह है कि उस औरत की मौत मायने नहीं रखती, मेरी नाराजगी मायने रखती है। वो एक हादसा था। वो हादसा नहीं था, वो एक कत्ल था। माना वो कत्ल था, पर हो जाता है ऐसे गुस्से में या जज्बात में। माना मैंने उसको कत्ल किया, लेकिन उसकी मैं सजा भी काट रहा हूं। मुझे बताओ तुम क्या है मेरे पास, है क्या है? एक खुशी भी मिली है मुझे जिंदगी में? बोलो, कोई और औरत मेरी जिंदगी में आई उसके बाद? किसी और से रिश्ता जोड़ा मैंने? सारी जिंदगी मैंने अकेले गुजार दी है। मेरा रिश्ता, मेरी मोहब्बत, मेरी दोस्ती, मेरी जिंदगी सब तुम हो फरजाद। तो आपके अलावा मेरे पास है क्या? ना मोहब्बत, ना रिश्ता, ना दोस्ती। मेरे पास भी सिर्फ आप ही है। तो मैं क्या करूं? आपके और मेरे बीच में एक कब्र का फासला है जिसे मैं पलांग नहीं सकता, जिसे मैं सारी जिंदगी खत्म नहीं कर सकता। औलाद बहुत मीठी चीज होती है बच्चे, बड़े बड़े बादशाह आजिज आ जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। बादशाहों ने अपने तख्त बचाने के लिए गले भी काटे हैं अपनी औलादों के, लेकिन तुम्हारा बाप उन बादशाहों में से नहीं है। हार मान गया? हम खिदमतकार लोग हैं, हम मालिक को नाराज नहीं कर सकते बच्चे। तो आप उनकी इज्जत का तमाशा देखेंगे, लेकिन मैं नहीं देख सकता। तुम्हारी पहली गलती समझकर उन्होंने इतनी नरमी से बात की है तुमसे। अब अगर हम में से किसी ने भी गलती से उसकी तरफ देखा तो वो हमारी आंख निकाल देगा। वो लेकिन एक रास्ता है। क्या? लेकिन उस पर होश से चलना पड़ेगा। अगर पहले जैसा जोश दिखाया बहुत बुरा होगा।
केस की कार्रवाई शुरू करें। जनाबे आला, मेरी मौकिला निसा ताजवर जब सिर्फ 3 माह की थी, माँ की गोद में नहीं उनकी कोख में, जब उसका बाप जरग खान उसकी माँ ताजवर को छोड़ के चला गया था। छोड़कर नहीं गया, छोड़कर भागने वाले तो जरा निचले तबके के अय्याश होते हैं, ये तो ऊपर तबके के अमीरजादे हैं, इन्हें भागने की क्या जरूरत है, ये तो बस मुंह फेर लेते हैं और इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जनाब आली, जरा खान जैसे अमीरजादे हमारे गली मोहल्ले के ख्वाब देखने वाली लड़कियों की जिंदगी में शहजादों की तरह उतरते हैं, चंद रोज की झूठी मोहब्बत की सेज पे बैठा के हवस का निशाना बनाते हैं और फिर ताजवर जैसी बेबस लड़की की गोद में निशा जैसी निशानियां छोड़कर चले जाते हैं। आज मेरी मोकला 20 साल 2 महीने 21 दिन की हो चुकी है और पहली बार कमरा अदालत के सदके में बाप बेटी का आमना सामना हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि आइंदा इनका कभी आमना सामना नहीं होगा। अभी अदालत खुद इंसाफ करे कि मेरी मौकला की शनाख्त एक ऐसे शख्स के नाम के साथ क्यों हो जो उसके लिए तकरीबन अजनबी है। इसलिए मैं इस्तता करता हूं कि मौजिस अदालत मुतालका महकमे को पाबंद करे कि मेरी मौकला के शनाख्ती कार्ड पर वालिद के नाम की बजाय वल्दियत खाने पे वालदा का नाम पुर हो। थैंक यू। इस अदालत में नादरा के कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं? जनाब आली, विकार अहमद ब्रांच मैनेजर। क्या आपने इस बच्ची को अदालत का रास्ता बताया? सर, वो किसी तौर मानने के लिए तैयार नहीं थी और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सर, आपको तमाम तफसीलात इस फाइल में मिल जाएंगी। क्या जरा खान इस अदालत में मौजूद हैं? जी, प्लीज इधर आ जाए। जरा खान, इस बच्ची ने जो आप पे इल्जाम लगाए हैं, क्या ये दुरुस्त है? जी योर ऑनर, इस बच्ची की शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं। इसमें इसकी मां भी बराबर की शरीक है। बीस साल 2 महीने 21 दिन के बाद मैं अपनी बेटी से पहली मर्तबा मिल रहा हूं योर ऑनर। इसकी वजह मेरी हविस नहीं बल्कि इसकी मां की अना है। इसकी वजह मेरी अय्याशी नहीं बल्कि इसकी मां की बेजा जिद है। अगर मैं गुनहगार हूं तो इसकी मां भी कसूरवार है। मैंने इससे मुंह नहीं फेरा जनाब आला। इसकी माँ की हठधर्मी है जिसने हम दोनों को एक दूसरे से इतने साल दूर रखा। झूठ बोल रहे हैं शख्स जज साहब, झूठ बोल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं मेरी माँ पे। मेरी माँ ने इस शख्स से मोहब्बत की, बल्कि करती है, अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप को नाराज किया, अपना फ्यूचर बर्बाद किया, वो भी इस शख्स के लिए।
लेकिन उसके जमीर ने इजाजत नहीं दी जज साहब कि वो सरदारी की उस कुर्सी पे जाके बैठे जहां से कत्ल के ऑर्डर्स होते हैं, वनी और जबरी शादियों के फैसले होते हैं। प्लीज बैठ जाएं आप। मेरी माँ अनापरस नहीं है जर खान, प्लीज। वो गैरतमंद है। बैठ जाएं आप, प्लीज। मेरी माँ जिद्दी नहीं है जज साहब, वो खुददार है। प्लीज और मेरी माँ हारी नहीं है। बैठ जाएं आप, प्लीज। वो सुर्ख रूह है जज साहब, सुर्ख रूह है। प्लीज Are you okay? चलो जल्दी से उठो, देर हो रही है। अम्मी किसका कसूर था? क्या मतलब? उनकी अना या आपकी जिद? मेरी जिद। अम्मी तो आप कोर्ट में ये कहेंगी? हाँ, कोर्ट में तो सच बोलना पड़ता है। कसम उठाकर भी झूठ बोलेंगी? मेरे लिए तो यही सच है। कितना प्यार करती है ना आप उनसे, आखिरी मिनट तक आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं। निसा, अगर मैं उससे फेवर करती तो आज तुम्हें उठाने ना आती, तुम्हें सोने देती। अच्छा तो अलार्म लगा के सोई थी, आज मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं था। सॉरी। तुम्हें उसकी नफरत में मेरी मोहब्बत भी नजर नहीं आ रही? निसा, ये मेरे लिए जरा की जुदाई से ज्यादा तकलीफ दे। I'm sorry. It's okay. Don't worry. जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है। हेलो, कहाँ थी तुम? सब ठीक तो है ना? डर लग रहा है मुझे। सब ठीक हो जाएगा, कहीं इस पूरी लड़ाई में मेरी और अम्मी की दोस्ती ना खराब हो जाए। तो क्या मतलब ये कि तुम क्या सोच रही हो? एक तो तुम एकदम से लॉयर क्यों बन जाते हो? ऐसे शेयर कर रही थी, बहुत प्यार करती है मुझसे। प्यार तो मेरी माँ भी मेरे बाप से बहुत ज्यादा करती थी। मैंने रात को ख्वाब देखा, तुम बहुत सख्ती से बात कर रहे थे उनसे। पता है अम्मी फील करती हैं उनके लिए। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं बहुत प्यार से बात करूंगा उनसे। और क्या? और वहां मेरे साथ ही रहना। जद बेटे जी, आपसे कोई मिलने आया है? जी। वालेकुम सलाम जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम फैज है, मैं सरदार जरा खान का बेटा हूँ। जी बोले। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, अपने बाप की इज्जत के लिए आपके आगे हाथ जोड़ने आए। नहीं नहीं प्लीज,
आप ऐसा मत कीजिए। नहीं देखें, अब उनकी इज्जत आपके हाथों में। देखें, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है उनसे, ना ही उस लड़की की कोई लड़ाई है उनसे। हमने केस नादर खिलाफ लिया है। नाम तो मेरे बाप का आ रहा है ना। नाम ही की तो लड़ाई है। वो लड़की मेरे बाप को बदनाम करना चाहती है, बदला ले रही है उनसे। देखें, अदालतों में लोग बदला लेने के लिए ही आते हैं। तो कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते आप? बीच का रास्ता मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह? देखें, वो लड़की कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। आप लोग खुद भी तो बात कर चुके हैं। हाँ, लेकिन आप तो कर सकते हैं ना। मैं? वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, लेकिन हमारा और आपका कॉम्प्रोमाइज तो हो सकता है। क्या मतलब? आप कितनी फीस ले रहे हैं उससे? ये मेरा उसका मामला। अच्छा चलें छोड़ें, ये बताएं कि आप हमसे कितनी फीस लेंगे। वो जितने पैसे दे रही है ना आपको केस लड़ने के, उसको डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, जो मर्जी। बस हमें ये बता दें कि केस छोड़ने की कितनी फीस लेंगे। फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन क्यों बंद जा रहा है इस लड़के का? कहाँ जा सकता है? किसी और पेशे में देर हो गई होगी। सिर्फ मेरा केस था इसके पास अम्मी, और कोई केस नहीं है। तो फिर झूठ बोल रहा होगा। नहीं, मुझे पता है। मैं देख कर आती हूँ। प्लीज आराम से बैठो, ये कोर्ट है, बिहेव योरसेल्फ। मैं नहीं चाहती कोई ताना दे मेरी तरबियत का, प्लीज। क्यों, आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आ जाएंगे? आ जाएंगे नहीं, वो आ गए। चलो निसा बेटा, देर हो रही है, जल्दी चलो। ये क्या कर रही हैं आप? बाबा को खत भेज रही हूँ। खत भेज रही हैं? किसने कहा आपको कि ऐसे खत भेजते हैं? किसी ने भी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों कर रही थी? बाबा को बुलाने के लिए। कल स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, और टीचर ने कहा था सब अपनी मम्मी बाबा के साथ आएंगे। ईर्षा के भी बाबा आएंगे और उसकी मम्मी भी होंगी। तो मैं चलूंगी ना आपके साथ? नहीं, मुझे आप और बाबा दोनों के साथ जाना है। ओके, तो मैं बाबा से बात करती हूँ। लेकिन बेटा, उनको इस साल माफी दे दो, उनको बहुत जरूरी काम है। नहीं, ऐसा के बाबा भी जरूरी काम छोड़कर आते हैं ना, मेरे बाबा भी आएंगे। ओके, मैं बात करती हूँ, ठीक है? लेकिन एक चीज बताओ, आपको किसने कहा कि समुंदर में खत फेंकोगी तो बाबा को मिलेगा? किसी ने भी नहीं। किसका आइडिया था ये बताओ? किसी का भी नहीं, मुझे पता है, मैंने सुना था। जब आप फिर दो आंटी को बता रही थी, आप दोनों के बीच एक जिद का बहुत बड़ा समंदर है, और आप दोनों को तैरना नहीं आता। आप नहीं तैर सकती, इसलिए आप वहाँ नहीं पहुँच सकती। लेकिन मेरा खत तो समंदर पर तैरता हुआ बाबा तक पहुँच जाएगा ना। पहुँचे, जरूर पहुँचे।
चलो देर हो रही है, कम ऑन लेट्स गो। अम्मी नहीं आया वो। लाला वो वकील क्यों नहीं आया? वो वकील सरफेरा जज्बाती लड़का है उसी की तरह। बेवकूफी में केस फाइल कर दिया है, अब चुप रहा है पछता के। मिले थे आप उससे? सिर्फ सुना था। कोई गलती नहीं होनी चाहिए लाला। मैं पहली बार अदालत में नहीं आ रहा हूँ। हाँ जी, अपने मुखालिफ के वकील से मैं सलाम दुआ भी नहीं लेता। वो इससे पहले ऐसा मुखालिफ टकराया भी तो नहीं था। कितनी देर उसका इंतजार करोगी? अम्मी लेकिन वो आया क्यों नहीं? बेटा वो वकील है, यहाँ पे रूटीन पे ऐसा ही होता है। अदालतों के चक्कर लगाना इसी को तो कहते हैं। लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं अपने वकील के पीछे भाग भाग कर। अम्मी वो इन सब से अलहदा है। मैं 4 साल में एक इंसान को समझ नहीं पाई और तुम 2 दिनों में उसको समझ गए, इतना यकीन है उस पर? आप बार बार इस कन्वर्सेशन को उस साइड पर क्यों ले जाती हैं? अम्मी ये केस मुझसे ज्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट था, उसका पहला केस था। तो बेटा अभी तो सिर्फ डेट मिली है, कोई फैसला तो नहीं हुआ। आ जाएगा अगली पेशी पे, दिखा देगा जो उसने कमाल दिखाना है। इस वक्त तो तुम चलो प्लीज। नहीं आप जाएं, मैं उसका पता लेके ही आऊंगी। ओके खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो फरजाद कहाँ है? फरजाद तो आज मुझे कोर्ट में भी नहीं दिखा। अच्छा कोई एड्रेस या कुछ? फरजाद का एड्रेस, एक मिनट सर, वो फाइल को देखिएगा जरा, उसमें फरजाद का एड्रेस है। अरे आप, आज तो अभी पेशी थी, मैंने अपडेट तारीख मिली है। गुड, लेकिन जिसका ढूंढने आप यहाँ पर आई हैं वो तो नहीं आया होगा। ना ही उसके पास कोई काम था, ना ही केस, यकीनन डेट वेट पे गया हुआ होगा। हाँ दे दो इनको एड्रेस, तसल्ली हो जाएगी। ख्याल रखिएगा लोग पार्टी ना बदल लें। कल जरा खान के लोग आए थे उसका पूछते हुए। वो आप फीस कितनी चार्ज करेंगे? फीस आप कितनी फीस देंगे? मैंने तो आपको अपने घर के हालात बता दिए ना, बस
अम्मी जो पॉकेट मनी देती हैं वो मैं उनकी बर्थडे के लिए सेव कर रही हूँ कि उन्हें नया मोबाइल लेके दूंगी। इतना फिर टीचर सा मोबाइल लेके फिरती हैं वो। तो आप क्या सोच के मुर्तजा साहब के चैम्बर में गई थी? मोबाइल जितने पैसे वो केस पढ़ने के ले लेते हैं और केस लड़ने के लिए वो लोगों के घर बिकवा देते हैं। अच्छा तो आपके लिए क्या बेचना पड़ेगा मुझे? हाँ, मेरे लिए क्या बेचना पड़ेगा? गुड क्वेश्चन। एक काम करते हैं, जो मोबाइल आप अपनी अम्मी को गिफ्ट करेंगी ना, तो उनका पुराना मोबाइल मुझे दे दीजिएगा। मेरे पास तो सही फर्टीचर मोबाइल है। आप मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। प्लीज आप बस मुझे बता दें आप क्या फीस है आपकी। मैंने बोल दिया ना, यही डील है मेरी। Are you sure? Sure. चलें। चलिए। आप उससे मिले क्यों नहीं है? शायद बर्फ पिघल जाती। मैं उससे जब मिलूंगा जब वो चाहेगी, अपनी खातिर नहीं मिलूंगा। जी फरमाइए। फरजाद कहाँ है? वो तो बाहर ही गए हैं। कहाँ बाहर? किसी पेशी पर गए होंगे। पेशी मेरी ही थी, वहाँ तो नहीं है। किसी दूसरी पेशी पर गए होंगे। दूसरी कोई पेशी नहीं है उनकी। मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा मुझे नंबर दे उनका दूसरा। एक ही नंबर है उनका और वो बंद है। नंबर तो उनका बंद ही है, मैं भी सुबह से कर रहा हूँ। वैसे एक लड़का मिलने आया था सुबह उनसे। लड़का? हाँ, एक पठान लड़का था, लेकिन था बड़ा बदतमीज किस्म का। क्या नाम था? नाम तो मुझे उसका नहीं मालूम। ये देखें, ये तो नहीं था। हाँ बिल्कुल ये। बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।